क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ से विधायक चुनकर विधानसभा में भेजा। और मेरा एक ही सोच है कि कुरुक्षेत्र विकास की दृष्टि से बूंदियां छुए, कुरुक्षेत्र के लोगों को कोई दिक्कत ना आए, ये हमारा विजन रहेगा, इसके लिए हम काम करें। प्रजातंत्र में विधायक का अपना एक अधिकार होता है, अपनी बात रखने का उसके पास एक प्लेटफॉर्म होता है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले दिन कहा भी है कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। अब देखेंगे कि वो अपनी बात पे कितना पूरा उतरते हैं। हमारी सोच यही रहेगी कि हम हमेशा कुरुक्षेत्र की आवाज बने और कुरुक्षेत्र के लिए काम करें। कुछ लोग हार से हताश हो चुके हैं, वो इस प्रकार की बात करते हैं, वो ये बात कहें कि वो काम कुरुक्षेत्र के करेंगे। अच्छी बात, मैं पढ़ता हूँ तो हम कुरुक्षेत्र के विकास करेंगे, बहुत बढ़िया बात है, स्वागत है। कुरुक्षेत्र के लिए पहले नहीं कर पाए, आगे करें तो अच्छी बात है। परंतु ये कहना कि इनकी कोई मान्यता नहीं, इनको कम से कम MLA के प्रोटोकॉल के बारे में ध्यान होना चाहिए। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई थी, हमारे जरूर आए थे, उनके अंदर सभी 37 से 37 MLA ने एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके हाईकमान को भेजा कि हाईकमान जिसको बनाना